हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन दास और आप देख रहे हैं आज एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में यह है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसमें खिंचाव, तनाव, शरीर में कहीं ना कहीं पेन जरूर आ जाता है। उसका एकमात्र रीज़न है आप जब मॉर्निंग में आते हो या ग्राउंड में आते हो, अब जब भी अपना स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, स्टार्ट करने पहले सबसे जो मेन रीज़न है आपके खिंचाव का, तनाव का, चोट लगने का जो खतरा रहता है ना, या बॉल लगने का खतरा रहता है, उसका एक रीज़न है वार्म अप। अगर आपने वार्म अप अच्छे से नहीं किया, अपनी बॉडी को आते ही गर्म नहीं किया है, कई वीडियोज में मैंने बताया भी है कि आपको सबसे पहला जो काम होता है आके ग्राउंड के अंदर वार्म अप, हल्की सी रनिंग करनी होती है, थोड़ा सा पसीना निकालना होता है, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा हीटअप करना होता है, अपनी बॉडी को रिदमिक करना होता है, देन उसके बाद आपको ऐसी स्ट्रेचिंग करनी होती है, एक्सरसाइजेस करनी होती है। आप जितने कम से कम एक घंटा आप अपने वार्म अप और एक्सरसाइज में दीजिए, उसके बाद ही किसी गेम को स्टार्ट करिए। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, रेगुलर खेल रहे हैं क्रिकेट, तो स्ट्रेचिंग, रनिंग और वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छुट्टी पे हैं तो आप उसको 15 मिनट और 20 मिनट का सेशन कर सकते हैं। कुछ योगा टिप्स हैं, योगा कर सकते हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी योगा से रिलेटेड, स्ट्रेचिंग से, वार्म अप से रिलेटेड, तो आप उन सब कामों को करिए और देखिए आपका जो शरीर है ना, बिना जिम किए इतना फिट हो जाएगा कि आप मानोगे नहीं कि मेरा ही शरीर है। तो आज की ये मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। मैं आशा करता हूँ चैनल में आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।